हरियाणा की छोरियां किसी छोरे से कम नहीं हैं। छोरियां हर खेल में अपना दबदबा दिखा रही हैं। 8 अक्टूबर को आयोजित हुई उच्च राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप में गांव बामला की छोरियों ने अपना दमखम दिखाया। अलग अलग भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिनका भिवानी पहुंचने पर सम्मान किया गया। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी में जूडो कोच कार्यरत हूँ। हमारी अकेडमी के 3 लड़कियाँ अभी 8 अक्टूबर को सीनियर स्टेट हुआ है क्रॉस चैंपियनशिप रोहतक में आयोजित हुआ था, जिसमें सीनू ने 70 केजी में फर्स्ट स्थान हासिल किया है, ज्योति ने 44 केजी में प्रथम स्थान हासिल किया है और निशा ने 44 केजी में तृतीय स्थान हासिल किया है, जो अभी ये 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल खेलेंगे। वहाँ पे फर्स्ट आने के बाद हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन होना, जो बच्चे नेशनल में प्रथम आएंगे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें उम्मीद नहीं है, आशा है कि हमारी दोनों गुड़िया प्रथम स्थान हासिल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से भाग लेंगी। इस अवसर पर कोच ने बताया कि तीनों खिलाड़ी 20 से 22 अक्टूबर को यूपी राज्य के सहारनपुर में आयोजित होने वाली नेशनल कुराश चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। उम्मीद है कि वहां तीनों खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियनशिप के लिए रास्ता साफ करेंगी। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि इस जीत पर उन्हें बहुत खुशी है और कड़ी मेहनत से नेशनल में गोल्ड लाने के लिए वो तैयार है। मेरा नाम सिन्नू है, मैं गांव बावला से हूं और मैंने रोहतक में स्टेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं आज ये सहारनपुर यूपी में नेशनल खेलने जाऊंगी। वहां पे भी जाना, गोल्ड मेडल लेके आना वहां पे भी। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य ये है कि मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में आगे गोल्ड लेके आऊँ, मैं माता पिता का नाम रोशन करूँगी और मेरे रोजी का। मेरा नाम ज्योति है, मैं गांव बामला से बिलोंग करती हूं और मैं प्रैक्टिस महात्मा ज्योतिबा फुले एकेडमी में करती हूं। अभी 8 अक्टूबर को रोहतक में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी कुरास में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं अभी इसके बाद मेरी 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर यूपी में नेशनल लेवल चैंपियनशिप होनी है, जिसमें मैं अपने देश व अपने गुरुजनों का नाम रोशन करूँ और अपने माता पिता का। खिलाड़ियों का कहना है कि मेडल जीतकर वो अपने माता पिता के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। इसके साथ ही नेशनल के बाद वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।